जिन सात सरोकारों से आम लोग कंसर्न हैं, ऐसे सात सरोकारों को लेकर के पंचकुला में अभियान शुरू किया है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ड्रग फ्री पंचकुला। ड्रग फ्री पंचकुला बनाने के लिए लगभग 15 दिन पहले हमने एक अभियान की शुरुआत की थी और आज उसको लगभग 15 दिन हुए। आज पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इंद्रधनुष के अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव कहूँगा और शिक्षाप्रद कहूँगा कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचकुला को नशा मुक्त कैसे किया जा सकता है। हमने पंचकुला के सभी नागरिकों से, सभी एनजीओस, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस, उन सब से अपील की है कि पंचकुला को नशा मुक्त करने के लिए अपना पूरा सहयोग दें। हमने इस नशा मुक्ति अभियान को दो चरणों में लिया। पहला है जागरूकता अभियान, जन जागरण, लोगों के अंदर जागरूकता आए, और दूसरा है कठोर कार्रवाई। वो पुलिस के द्वारा पिछले 15 दिनों के अंदर देखने को आई है। पिछले 15 दिनों में 14 केसेस ऐसे जो पकड़े गए हैं, जो कहीं ना कहीं ड्रग्स बेचते हुए या यूज़ करते हुए पाए गए, और उन 14 में से 12 जो केस नॉन अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से एक जन जागरण और दूसरा जो नशा बेचने वाले हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, उसको लेकर के एक अभियान की शुरुआत की है। और आज हमने कहा है कि ये जो नशा मुक्ति अभियान है, इसको एक महीने के लिए और एक्सटेंड किया है कि अगला पूरा महीना अगर कहीं पे थोड़ा बहुत पंचकुला के अंदर नशा मुक्ति नशा बिक रहा है या है, उसको नशे से मुक्त किया जाए। पुलिस की तरफ से एक नंबर जारी किया गया है, वो नंबर है 7087081100। इस नंबर के ऊपर कोई भी नागरिक नशे के बारे में जानकारी देगा तो उसकी आइडेंटिटी को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा और उनकी जानकारी के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। इसके ऊपर अभी हमारे जो लॉ एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि गलत सूचना देना भी अपराध है। उससे क्या है कि पुलिस को हरास करने के लिए कई बार सूचना दे, पुख्ता सूचना हो उसके आधार पर कठोर कार्रवाई होगी, ये आश्वासन पुलिस की द्वारा दिया गया है। नशा मुक्त पंचकुला एक अभियान चला हुआ है पंचकुला में, जिसके अंदर की एक विशेष इसकी बात यह है कि सारे विभाग मिलकर, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं हमारे साथ में, महावीर जी डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, केवल पुलिस नहीं बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा जो समाज कल्याण विभाग है, हमारे एनजीओज हैं, उन सब ने साथ मिलकर पहले हमने विचार किया कि क्या क्या इसके अंदर कदम उठाने चाहिए। उसके बाद एक जन जागरण का अभियान हो गया, जिसमें स्कूल कॉलेजेस हैं, कॉलोनीज हैं, वहाँ पे जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, और विशेष तौर से आज इस तरह के कुछ लोग थे जो पहले नशा करते थे और अब वो नशा छोड़ चुके हैं, तो उनका कैसे, उनके परिवार में कैसे, उनके जीवन में बदलाव आया। दूसरा जो इसका पहलू है वो है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। तो अभी कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि जो डीसीपी साहब ने न केवल जो मुकदमे दर्ज करके लोगों को अरेस्ट किया है, बल्कि जो इससे प्रॉपर्टी लोगों ने कमाई है, उस प्रॉपर्टी को भी कानून में कॉन्फिस्केट करके और जब्त कराया गया है। तो फाइनेंशियली जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।